ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। बचपन में कुछ गलत करते वक्त डांट तो हम सबने खाई है, फिर चाहे वो गर्मियों की छुट्टियों में हॉलिडे होमवर्क टाइम पर ना करके देने के कारण टीचर से खाई हो, या फिर घर में पतीले में रखा दूध फैलाने पर मम्मी से खाई हो। पर क्या कभी हॉलिडे होमवर्क करके लाने पर तारीफ मिली है, या फिर ट्रैफिक सिग्नल को अच्छे से फॉलो करने के लिए क्या कभी सरकार की तरफ से पुरस्कार मिला है? नहीं ना। थोड़ी टीस सी भी महसूस होती है कि बुरा काम करने पर डांटते तो सब हैं, पर अच्छा काम करने पर कोई तारीफ ही नहीं करता। पर लगता है भारत सरकार ने ये टीस भांप ली है, और इसलिए अब भारत सरकार एक ऐसा प्लान लाई है जहां अच्छा काम करने पर पुरस्कार मिलेगा। मैं हूं मानव देवरावत और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का एक्सप्लेनर पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान, और आज बात करेंगे भारत सरकार के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पर। अपने दादा से जंगल की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी, पर चिंता का विषय ये है कि क्या आप ये कहानियां अपने पोते पोतियों को सुना पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया से खत्म होते पेड़ पौधे हर देश के लिए ही चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया के मौसम, फसलें और लोग प्रभावित हो रहे हैं। भारत सरकार ने इस मामले से निपटने के लिए एक नया प्रोग्राम घोषित किया है जिसका नाम है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो सवाल आता है कि ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है क्या? ग्रीन क्रेडिट एक ऐसा ऑनलाइन यूनिट है जो कि सरकार उन व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन को देगी जो कि एनवायरनमेंट को हरा भरा बनाने में सहयोग करेंगे। ये ग्रीन क्रेडिट क्या चीज है, इसको आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। अपने फोन में गेम्स तो आप सबने कभी ना कभी जरूर खेले होंगे, तो जब जब आप गेम्स में जीतते हैं तो आपको मिलते हैं रिवॉर्ड्स, जैसे कि गेम में कॉइन्स या अलग अलग डायमंड्स वगैरह, और आप इन कॉइन्स या रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल अपने गेम में ही कोई नया लेवल खोलने के लिए प्रयोग करते हैं। ग्रीन क्रेडिट्स भी कुछ कुछ ऐसे ही काम करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने पर्यावरण के लिए कोई पॉजिटिव काम किया तो आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे। ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम भारत की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने रिकमेंड किया है, जिसे कि पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम करने वालों को एक इंसेंटिव की तरह दिया जा सके। इस ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के अंदर 8 एक्टिविटीज हैं जो कि आपको ग्रीन क्रेडिट कमाने का मौका देंगी, जैसे कि पेड़ लगाना, पानी को बचाने के लिए स्ट्रेटजीज बनाना और लागू करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए तरीके सुझाना, वेस्ट मैनेजमेंट की इफेक्टिव रणनीतियां बनाना, एयर पॉल्यूशन से बचाव और उसे रोकने के लिए प्रयास करना, और मैंग्रोव्स को बचाने के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बनाना और उसे प्रमोट करना। अब सवाल आता है कि ये ग्रीन क्रेडिट्स कमाने के लिए तरीका क्या है? तो आपको बता दें, ये ग्रीन क्रेडिट्स पाने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद इसकी डेजिग्नेटेड एजेंसी आपकी इन एक्टिविटीज को रेट करेंगी, जिसके बेसिस पर आपको ग्रीन क्रेडिट्स मिलेंगे, और इसी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर आपको एक ग्रीन क्रेडिट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ग्रीन क्रेडिट्स को काउंट करने के कई फैक्टर्स होंगे, जैसे रिसोर्स रिक्वायरमेंट, स्केल, स्कोप, साइज वगैरह। यही फैक्टर्स ये प्रेडिक्ट करेंगे कि आपकी एक एक एक्टिविटी का पर्यावरण पर कितना प्रभाव होगा। इस प्रोग्राम का सबसे जरूरी कॉम्पोनेंट होगा क्रेडिट रजिस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट, जो कि कमाए हुए क्रेडिट्स का ट्रैक रखेगा। उसके बाद एजेंसी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी एस्टैब्लिश करेगी, जिस पर लोग अपने ग्रीन क्रेडिट्स को आपस में ट्रेड कर सकेंगे और अलग अलग चीजें भी खरीद सकेंगे। हालांकि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के फायदे के साथ साथ कुछ समस्याएं और जटिलताएं भी हैं, जैसे कि क्रेडिट कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाएंगी उनका वेरिफिकेशन कौन और कैसे करेगा। ये दिक्कत भी सामने आएगी कि अलग अलग जगहों में रहने वालों के लिए एक जैसे नियम कैसे इस प्रोग्राम में समाये जाएंगे। तो इस प्रोग्राम में तो इको फ्रेंडली काम करने के रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और अगर आप सुनते रहेंगे आज तक रेडियो का ज्ञान ध्यान तो आपको ज्ञान के अपार रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे। आज के ज्ञान ध्यान में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात ज्ञान ध्यान के एक नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की साउंड मिक्सिंग की है सौरभ कुकरेती ने। सुनते रहिए आज तक रेडियो। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।